डिजिटल इमेज फंडामेंटल्स की बात करते हैं और इसमें हम देखेंगे इमेज एक्विजिशन और फॉर्मेशन कैसे होता है और रेजोल्यूशन क्या होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, साथ में स्पेशियल सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन मैटलैब की बात करेंगे। और सबसे पहले देखिए, कोई भी इमेज है, अगर आप इमेज को अप्रिशिएट करते हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि हम कैसे अप्रिशिएट करते हैं, हमारी आंखें क्या करती हैं उसमें। तो यहाँ पर कॉर्निया होता है, यहाँ पर आयरिस है, यहाँ पर लेंस है और जो लाइट आती है वो इस तरीके से यहाँ पर इमेज बेसिकली यहाँ पर टकराती है और यहाँ पर फोविया है, इसे हम रेटिना कहते हैं, रेटिना पे फोविया है। और यहाँ पर आपको रॉड्स और कॉन्स मिलते हैं और वही आपके सेंसर होते हैं जो आपके नर्व सिस्टम को बताते हैं कि क्या चीज़ दिखाई दे रही है। तो जो आई बॉल है, दिस इज अराउंड 20 मिलीमीटर, ये 20 मिलीमीटर डायमीटर में है, इसको डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटेशन में। और फिर जो रेटिना है, ये जैसे मैंने बताया आपको रॉड्स और कॉन्स, रॉड और कॉन्स ये दोनों रखता है। जो फोविया है, इसकी विड्थ जो है वो 1.5 mm है और इसमें कितने फोविया होते हैं, अराउंड 337000 यानी 337000 कॉन्स आपको मिलेंगे। और फोकल लेंथ इसकी 17 mm होती है। तो एक हेल्दी आई की, एक प्रॉपर आई की आई बॉल जो 20 mm है, फोविया 1.5 mm विड्थ होता है और इसमें करीबन 337000 कॉन्स होते हैं और फोकल लेंथ इसका 17 mm होता है। तो जो रॉड्स है वो लो लाइट को सेंसिटिव है और जो कोन है दे डिटेक्ट कलर वर्क इन ब्राइट लाइट। रॉड्स लो लाइट के प्रति सेंसिटिव है और कोन जो है वो आपके एक तो कलर डिटेक्शन के लिए और दूसरा आपका ब्राइट लाइट, फोटोपिक विजन, ये फोटोपिक विजन है, फोटोपिक विजन है। तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, जैसे ये आप देखिए, ये आई है, यहाँ पर क्योंकि लेंस होता है इसलिए यहाँ पर बेसिक फोकस लेंस को दिखाया गया है और यह इस तरीके से आपका इमेज बनेगी। यहाँ पर ये इमेज इन्वर्टेड करके बन रही है यहाँ पे इस जगह पे। और जैसे मैंने आपको बताया इसकी 17 mm आपकी दूरी है, जैसे यहाँ पर दिखाया था आपको, ये फोकल लेंथ 17 mm है। मान लीजिए 100 mm है तो कुछ आप इस तरीके से आराम से ये एच, और ये अगर स्मॉल एच है, ये कैपिटल एच है, ये एफ है और ये डी है, तो डी बाय जैसे सिमिलर ट्रायंगल से आप आराम से, ये अगर ये डी है और ये एफ है तो डी बाय एफ इज इक्वल टू एच कैपिटल एच बाय स्मॉल एच, ऐसे करके आप सिमिलर ट्रायंगल से निकाल सकते हैं आराम से। अब लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, सी इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये लैम्डा होता है यानी कि जो वेव लेंथ है, इस वेव ये तो वेव इन्फाइनाइट जा सकती है लेकिन इसका वेव लेंथ और इस फ्रीक्वेंसी होती है कि जो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। और जो जब वेव मतलब बराबर फेज में आती है, जैसे ये एक फेज है, जब ये दोबारा रिपीट होगा फेज, उस दूरी को हम लैम्डा कहते हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व करना हो तो वी मस्ट यूज अ वेव लेंथ इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और स्मॉलर, हमको उस कम से कम उस ऑब्जेक्ट का वेव लेंथ या उससे छोटा वेव लेंथ हमको उपयोग करना पड़ेगा। ये जो फिगर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, देखिए ये 0.4 से 0.7 से थोड़ा ऊपर, यहाँ तक विजिबल स्पेक्ट्रम है, यहाँ पर विजिबल स्पेक्ट्रम में बातचीत होती है, इमेजिंग होती है। तो ये चार कपल डिवाइसेस हैं, इसमें कुछ डिवाइसेस हैं जो बेसिकली आपको इमेज दिखाएंगे। तो ये 2D एरे होते हैं फोन फोटो सेंसिटिव ट्रांजिस्टर के और चार्ज इसमें एक्यूमुलेट हो जाता है, जब एक्सपोजर होता है इसका चार्ज इसमें एक्यूमुलेट हो जाता है और फिर जो चार्ज है वो आपके शिफ्ट रजिस्टर, ये सिक्वेंशियली शिफ्ट रजिस्टर्स में जाता है और फिर उसके बाद आउटपुट जो होगा वो एनालॉग सिग्नल आता है। फिर एनालॉग सिग्नल को आराम से, देखिए एनालॉग सिग्नल आ रहा है, उसके बाद आप आराम से इसको डिजिटाइज कर सकते हैं, फायर वायर के थ्रू, USB के थ्रू अपना डेटा ले सकते हैं। तो CCD का ये काम है, इसे हम चार्ज कपल डिवाइसेस कहते हैं। इसमें फोटो सेंसिटिव ट्रांजिस्टर है। अल्टीमेटली बात क्या होती है कि फोटो को लाइट में, जो फोटो या लाइट आ रही है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करना, ये इसका काम है। ये टिपिकल CCD कैमरा है और यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से एक एग्जाम्पल दिया है, पैनासोनिक GPMF 130,
और इसका इस तरीके से पिक्सल दिखाया जाता है, फोकल लेंथ दिखाया जाता है, और सीसीडी देखिएगा ये रिलेटिव रिस्पॉन्स है वेवलेंथ के प्रति। तो 0.5 टू 0.8 तो हम बात कर रहे थे, देखिए ये इसके आगे भी करता है, यानी कि ये इंफ्रारेड पे भी काम करेगा। ये फील्ड ऑफ व्यू का एक फिगर है जिसमें आप, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये फोकल लेंथ है आपका, या अगर कोई हम स्लिट के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज यहाँ पर आएगी। तो हम सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे इसका एच माने, इसको एच बाई टू माने, ये कैपिटल एच है एच बाई टू माने, तो ये फोकल लेंथ है और इसको प्रोजेक्ट करना है आपको। तो आराम से हम ये कैमरा के पैरामीटर्स होते हैं और जो सिंपल ऑप्टिक्स है जो हमने अपने बेसिक्स में पढ़ी है उसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। टेन थीटा बाई टू विल बी इक्वल टू दिस एच बाई टू बाई एफ विच इज इक्वल टू कैपिटल एच बाई टू और या एफ प्लस डी, ये आप आराम से लगा सकते हैं, या इसको पूरा डी मान लें वैसे लगा सकते हैं। ये इमेज एक्विजिशन है सेंसर स्ट्रिप की तरह, देखिए लीनियर मोशन है इसका, यहाँ पर आपका सेंसर स्ट्रिप है जो इमेजिंग कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में चलता है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में चलता है और इमेज लेता है। और ये देखिए ये सर्कुलर डायरेक्शन, जैसे एक्सरे लेते हैं ना उस सर्कुलर डायरेक्शन में। ये एक सैटेलाइट कैमरा की बात है, यहाँ पर देखिए ये सैटेलाइट कैमरा, ये कैमरा जो देख रहे हैं ना वो ये कैमरा है, इस तरीके से कैमरा ऊपर से ये इमेज ले रहा है, ये नोवा का वेदर सैटेलाइट है। तो बस यहाँ पर ये बस एक इस तरीके से एक पैनल लगा होता है और यहाँ पर जो लाइट ये अचीव करता है या फिर रिसीव करता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भेज के उसकी इमेजिंग करके ये आपको वापस ज़मीन पे भेजता है। इमेज फॉर्मेशन में बेसिक चीज़ जो आती है वह एलिमिनेशन और रिफ्लेक्शन। जो इल्यूमिनेट जितना करेंगे आप उतना ये एक एलिमिनेशन होता है, जितना रिफ्लेक्ट करेगा वो रिफ्लेक्शन होता है, वो आपके इमेजिंग सिस्टम में आता है और इमेजिंग सिस्टम जो है इसको प्रोजेक्ट करती है 3D को 2D में, और फिर आपका आउटपुट डिजिटाइज इमेज आता है जिसको हम रिप्रेजेंट अगर हम करें मैथमेटिकली तो जो इमेज है आपकी वो FXY दिस विल बी इक्वल टू आई, ये आपका एलिमिनेशन होता है या आपका रिफ्लेक्टेंस होता है, जिसमें आई तो एलिमिनेशन तो कितना भी कर सकते हैं 0 से ∞, और रिफ्लेक्शन जो है वो 0 से 1 तक वेरी करता है। अब आपके पास ये तो आ गया, आपके पास ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये देखिए यहाँ पर ये वाला ऑब्जेक्ट है। अब इसको डिजिटाइज कैसे करेंगे, डिजिटली कैसे शो करेंगे, ये तो अथा है। देखिए किस तरीके से इस तरीके से सिग्नल मिले ना वे यू करके, ये ऐसे सिग्नल नहीं मिल रहे, ये आपको ऐसे 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 करके बहुत सारे सिग्नल मिलेंगे ऐसे ऐसे करके ऐसे। अब क्या करेंगे सिग्नल को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि डिजिटली तो इसको शो नहीं किया जा सकता, ये तो एक तरीके से एनालॉग ही हो गए। तो हम क्या करते हैं, पहले इसकी सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग मतलब एक इंटरवल पे छांट लेते हैं, जैसे यहाँ पर आए देखिए सब बराबर इंटरवल पे, यहाँ पर वैल्यू ले ली, यहाँ पर वैल्यू ले ली, यहाँ पर वैल्यू ले ली, और सबका डिस्टेंस समान रखा हर बार पे, एक एक्स डिस्टेंस के बाद या डेल्टा एक्स डिस्टेंस के बाद हमने एक वैल्यू ले ली, वो सारी वैल्यूज यहाँ पर होंगी, उसे हम सैम्पलिंग कहते हैं। सैम्पलिंग मतलब एक बड़े पॉपुलेशन से छोटी कुछ एक सेट निकालना, सैम्पलिंग हो गई। अब उस सैम्पलिंग को क्वांटाइज कर दिया, यानी कि अब तो डिजिटल वैल्यू चाहिए ना, अभी भी सैम्पलिंग हो गई लेकिन अभी डिजिटल वैल्यू नहीं मिली। तो हमने क्या किया कि जो यहाँ से यहाँ तक थे, यहाँ से यहाँ तक उन सबको एक वैल्यू दे दी, जो यहाँ से यहाँ तक थे उनको एक वैल्यू दे दी, जो यहाँ से यहाँ तक थे उनको यहाँ वैल्यू दे दी, और जो ऊपर की वैल्यू थी उनको यहाँ दे दी। तो अब देखिए ये आपका डिजिटल वैल्यू आ गई, 0 से लेकर 255 तक अगर माने तो आपके पास जो भी एन होगा 2k या 2n वैल्यूज आपको क्वांटाइजेशन लेवल के हिसाब से वैल्यू मिल गई, जिसे हम कहते हैं सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन। यही क्वांटाइजेशन में और सैम्पलिंग में ही थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है डेटा का। ये आप देखिए किस तरीके से हम इमेज को एक क्वांटिमम इमेज को हम डिजिटल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो आपका यहाँ पर आप 0 0 मानेंगे, मैंने 1 1 इसलिए लिखा है क्योंकि मैटलैब में आप ही एग्जाम्पल की बात करेंगे इसलिए 1 1 लिखा है, वरना यहाँ 0 0 होता है। कॉलम इस तरफ जाता है, रो इस तरफ जाता है, ये रोज है और ये कॉलम्स है, ये m बाय n मैट्रिक्स है आपकी, और इसको मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। हर एक एक्स वाई पोजिशन पे आपको एक पिक्सल वैल्यू मिलेगी जिसे हम dn वैल्यू या ब्राइटनेस वैल्यू कहते हैं और या इंटेंसिटी वैल्यू कहते हैं। तो डिजिटल कैमरा में जो इमेज है वो आराम से आप 2D एरे जो सेंसर एलिमेंट्स होते हैं उसमें प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जो इमेज है वो स्पेशली सैम्पल की जा सकती है सेंसर एलिमेंट के द्वारा, और जो इंटेंसिटीज है उनको आराम से क्वांटाइज किया जा सकता है डिस्क्रीट वैल्यू में। और आगे की एग्जाम्पल के लिए हम मानेंगे कि पिनहोल कैमरा है जो आपको एक प्रॉपर फील्ड ऑफ व्यू देता है, और वही साइज ऑफ व्यू आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं एज अ इमेज। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।